नमस्कार। जिसकी मतलब इंतजार था वो घड़ी सामने आ गई और फिर से मतलब कि एनडीए जो है बहुमत मतलब उसको मिल चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको मैं देने जा रहा हूँ। एनडीए को बहुमत मिल चुका है। एनडीए लगभग मतलब 123 सीट जीत चुकी है, 2 सीट पे आगे है, यानी वो भी कह सकते हैं कि वो भी जीत ही जाएगी। मैंने का मत तात्पर्य कि 125 सीट पे एनडीए चुनाव जीत चुकी है और राजद जो है, जो मतलब महागठबंधन जो है, मात्र 110 सीटों पर मतलब सिमट के रह गया और 8 सीट जो है अन्य पार्टियां जीती है, जिसमें लोजपा भी 1 सीट जीती है। आपको बता दें कई मतलब दिग्गज जो है सो चुनाव जीते हैं, वहीं कहीं को मुंह की खानी पड़ी है, जहां से मतलब तेजस्वी यादव जो है वो मतलब और तेज प्रताप यादव राघोपुर और हसनपुर से दोनों जगह से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनके कद्दावर मंत्री अब्दुल वाली सिद्दीकी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। वहीं हम अगर हम की बात करें तो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि हम और मतलब कि ये वीआईपी को दोनों को 4-4 सीट मिला है, और मतलब जो जहां तक बात है जदयू को, तो जदयू को 43+ सीट मिली है और बीजेपी को जो है सो बीजेपी को जहां तक बात है उसको 74 सीट मिली है। आपको सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी तक में जो मतलब रुझान आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, उसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है, उसको 75 सीटें मिली है। और महागठबंधन की जहां तक बात करें तो राजद के अलावा जो अन्य मतलब लोग हैं, कांग्रेस को उसको 19 सीट हासिल हुई है, सीपीआई को 2 सीट हासिल हुई है, सीपीआईएम जो है उसको भी 2 सीट हासिल हुई है, वहीं माले जो है माले को 12 सीट मिली है। तो इस ढंग से महागठबंधन का आंकड़ा 110 पर आकर सिमट गया, वो बहुमत से लगभग 12 की दूरी पर रह गए। और मतलब यह स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेता इस बात को हर समय कहते आ रहे हैं कि अगर जेडीयू को कम भी सीट आई तो भी मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। ये आने वाले 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि मतलब ये मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, किनके सर पर मतलब ताज रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के 1-2 नेता जो हैं वो इस बात को लेकर के कह करके मतलब इस मामले को उलझा दिए हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को केंद्र में लिया जा सकता है। वहीं मतलब जो भाजपा के मंत्री हैं प्रेम कुमार, वो भी मतलब ये बात बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग सलाह मशविरा करने के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो इसको लेकर के हालांकि उस संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है ये कि मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के मतलब और भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा से लेकर के गृह सचिव अमित शाह तक ये बात कह चुके हैं कि मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, हम लोग उन्हीं को मतलब चेहरा रख करके चुनाव लड़े थे। हालांकि जो मतलब जेडीयू को जो कम सीट आई है, इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो लोजपा ने निभाई है, क्योंकि लोजपा जेडीयू के हर जगह मतलब अपना कैंडिडेट खड़ा कर दी थी और जेडीयू के मतलब वोट में अच्छी खासी चेन लगाई थी। इस वजह से मतलब जेडीयू जो है काफी लड़खड़ा गई है और काफी कम सीट उसको आई थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जेडीयू बीजेपी से अधिक सीट पर चुनाव लड़ रही थी, 115 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रहा था और बीजेपी मात्र 110 सीटों में चुनाव रही थी, लेकिन उसके बाद भी मतलब बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और जेडीयू जो है काफी आंकड़ा में काफी पीछे पड़ गया है। इसको लेकर के कसमकस जारी है, क्योंकि जब मंत्री बनने का भी सवाल होगा तो हो सकता है कि बीजेपी के कोटे से ज्यादा मंत्री बने और जेडीयू के कोटे से कम मंत्री बने, इसको लेकर के भी मामला उलझेगा, गणित उलझेगा। ये तो बाद की बात आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो मतलब इस बार की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार ही मतलब चौथे टर्म मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 15 साल तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगले 5 साल का भी शपथ लेंगे। ये आने वाले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मतलब कि यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, राजनीतिक चर्चा क्या चल रहा है, उठ किस करवट बैठता है, क्या उठक पटक चल रहा है, सारी बातों का आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव, आगे और भी आपको हम अपडेट देते हुए रहेंगे। नमस्कार।